अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और ये हमारा यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब में हूँ। और ये हमारा बीएड का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड नंबर 8636 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है वो है करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। तो इसमें सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। चैप्टर का वो क्या इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर क्या है अप्रोचेज टू करेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, फिर हमारे पास क्या है जी फिनोमिक अवेयरनेस है, फिर हमारे पास क्या है फिनोमिक्स है, फिर हमारे पास फ्लुएंसी है, फिर हमारे पास वोकेबलरी एक्विजिशन है, फिर हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। ये क्या है जी अ टीचर शुड बी वेल ट्रेन टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन एंड असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स, यानी कि स्टूडेंट की नीड के हिसाब से टीचर जो है उसको जो है पूरे का पूरा जो है डिज़ाइन करना चाहिए एसोसिएशन करने के। फिर हैविंग अ सिस्टम इन प्लेस टू असेस स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्ट्रगलिंग री रीडिंग एंड गाइड डिसीजन मेकिंग रीडिंग इंस्ट्रक्शन नीड्स ग्रुप्स एंड स्केजुल्स कैन हेल्प टू स्ट्रगल रीडर्स अचीव सक्सेस, यानी स्टूडेंट्स की अचीव के लिए जो है ये हेल्प आउट टीचर्स को करना चाहिए ताकि। फिर है जी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस रूट्स रूटीन्स एंड प्रैक्टिस विद इन कंटेंट एरिया, इट इज़ नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम कंटेंट, यानी कि बच्चों को टीचर का भी काम है कि वो उन्हें रीडिंग करना अंडरस्टैंड करना और लर्निंग करना कंटेंट से सिखाए। फिर जी इम्प्लीमेंटिंग दीज रूटीन शुड बी इंक्रीज एक्टिव स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन स्पोर्ट लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, यानी बच्चे को क्लास में ये सिखाया जाता है। फिर है दिस यूनिट प्रेजेंट्स अ सेट ऑफ करेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज डिजाइन फॉर क्लासरूम टीचर्स टू यूज विद स्टूडेंट्स विद एट रिस्क फॉर रीडिंग इन डिफिकल्टीज। फिर वेन स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद लर्निंग टू रीड दे नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन दैट आर फोकस्ड ऑन द एरिया कॉज डैम डिफिकल्टीज देयर दीज एरियाज ऑफ रीडिंग एंड लिटरेसी इंक्लूड द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट फैसिलिटेट द मोस्ट इफेक्टिव एंड ब्रॉडकास्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। उसके लिए द की आइडियाज इन टीचिंग लिटरेसी एंड मे एंड मोर स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू रीडिंग आर फिनोमिक अवेयरनेस फिनोमिक इन्फ्लुएंसी वोकेबलरी नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बच्चे को फ्लुएंसी आनी चाहिए फिनोमिक्स का पता होना चाहिए वोकेबलरी का नॉलेज का होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन का होना पता चले कि कैसे करते रीडिंग में। फिर है जी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो है जी डिफाइन द करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, फिर है जी डिस्क्राइब डिफरेंट करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस टू हैंडल रीडिंग डिफिकल्टीज, फिर है जी इलस्ट्रेट प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द रीडिंग डिफिकल्टीज, फिर है जी प्लान एंड क्रिएट करेक्टिव स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग डिफिकल्टीज। फिर है जी हमारे पास बकायदा आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले अप्रोचेज टू करेक्टिव इंस्ट्रक्शन वो है जी फिनोमिक अवेयरनेस, ये कि फिनोमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू हायर हेयर आइडेंटिफाई एंड मेनोप्लेड इंडिविजुअल साउंड इन स्पोकन वर्ड्स में जो है आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो वर्ड्स हैं इस बच्चों की जो है उनमें पावर होनी चाहिए कि वो समझ सकें। फिर अड्डा फोकस ऑन फिनोमिक्स अवेयरनेस इज ऑन हेयरिंग द साउंड इन वर्ड स्पोकन अलाउड एंड नी एंड नोट ऑन द लेटर और प्रिंट वर्ड। व्हेन चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड द अवेयरनेस ऑफ साउंड इन वर्ड दे आर देन एबल टू यूज द करेक्टिव एंड साउंड सिस्टम टू रीड एंड स्पीक वर्ड, यानी कि बच्चा किस तरह से स्पीकर से लाउड कर सके ताकि उसकी रीडिंग की डिफिकल्टी दूर हो सके। अ चाइल्ड हु पोजेस फिनोमिक्स अवेयरनेस कैन सेगमेंट एंड मेनोपुलेट साउंड इन वर्ड, यानी कि जो बच्चा जैसे फिनोमिक्स की अवेयरनेस है वो रीडिंग डिफिकल्टी से काफ़ी हद तक जो बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस जस्ट द फर्स्ट साउंड
हेयर्ड इन द वर्ड यानी गैप प्लेंट स्ट्रेंड स्ट्रेंज ऑफ आइसोलेशन साउंड टू गैदर टू फॉर्म रिकोगनाइज वर्ड फॉर्म एंड सो ऑन. फिनोमिक्स अवेयरनेस हैज़ बीन शोन टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रिसाइज टू फिनोमिक्स एंड टू बी सक्सेसफुल डिकोडिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट इन रीडिंग. मोर ओवर चिल्ड्रन हु रिसीव इंस्ट्रक्शन इन फिनोमिक्स अवेयरनेस इन किंडन गार्डन आर बेटर एबल टू प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल स्पेलिंग देन दोज हु आर नॉट. यानी कि जो बच्चे जो हैं जिन्हें फिनोमिक्स अवेयरनेस पता है वो किंडन गार्डन में ज़्यादा अच्छा जो है स्पेलिंग को कर सकते हैं बन नस्बत ऑन बच्चों के. फिर कंपोनेंट्स ऑफ फिनोमिक अवेयरनेस, उसके बाद आ जाए हमारे पास डेवलपमेंट फिनोमिक अवेयरनेस. उसमें क्या हमारे पास नंबर पे हायरार्की ऑफ फिनोमिक अवेयरनेस कंपोनेंट अवेयरनेस ऑफ वर्ड्स. फिर चिल्ड्रन कैन टेल व्हाट टू वर्ड्स इन लॉन्गर यानी एग्जांपल हैमबर्गर और कैट यानी कि बच्चे में फ़र्क बता सकते. फिर हमारे पास नंबर टू पे द एबिलिटी टू रिथम. चिल्ड्रन कैन रिथम सिंपल वन सिंपल वर्ड एग्जाम्पल वट वर्ड अरेथमेटिक विद विद रिथम पिन पता होता है. फिर उनके पास है एबिलिटी टू ब्लेंड. फिर है जी नंबर फोर पे एबिलिटी टू सेगमेंट इनटू वर्ड एंड सिलेबस. फिर है जी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिगिनिंग वर्ड ऑनसेट अबाउट टू आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड ऑनसेट. फिर हमारे पास एबिलिटी टू सेगमेंट वर्ड इनटू फिनोमिक्स. फिर हमारे पास एबिलिटी टू सस्टेन एंड मैनिपुलेट बिगनिंग फिनोमिना. फिर है जी एबिलिटी टू सस्टेन मिडल एंड एंड फिनोमिना. फिर हमारे पास है जी अदर फिनोमिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़. फिर है जी रिथमिक्स. फिर हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन एंड कंस्ट्रक्टिंग साउंड. फिर है जी बिगनिंग साउंड. फिर हमारे पास है मिडल साउंड ये है. फिर हमारे पास है एंड साउंड. फिर पास है जी सेक्शन समरी. फिर हमारे पास आ रही है लर्निंग एक्टिविटीज़. फिर हमारे पास है फिनोमिक्स. फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है जी अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स आर रेगुलर यानी 50% जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो रेगुलर होते. फिर अनदर से 37% हैव वन साउंड यानी कि 37% की एक ही साउंड लाइक द वर्ड कुड डेट इज रिप्रेजेंटेड ए रेगुलर एंड दिस इज यूजली क्लोज एनफ टू कनेक्ट विद रिटन लैंग्वेज रिटन लेटर्स एंड साउंड विद द एक्चुअल वर्ड्स. फिर है जी द रिमेनिंग 13 लाइक द वर्ड ओशन मस्ट बी मेमोराइज एज एस एस साइट वर्ड्स. फिर है जी हमारे पास स्टूडेंट्स जी फिनोमिक मैथड्स. ओके देर आर सेवर डिफरेंट मैथड्स फॉर टीचिंग फिनोमिक्स. टीचिंग्स मे फाइंड हाउ एवर डेट इज़ यू यूजफुल एट द डिफरेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टू ड्रॉ ऑन टू अदर मैथड्स डेट इज एनालिटिकल फिनोमिक्स एंड एनालॉजिकल फिनोमिक्स डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन पर्पज एंड कंटेंट. ये क्लोने इसमें फिर सिंटेक्स फिनोमिक्स. फिर पास है एनालिटिकल फिनोमिक्स. फिर पास एनोलॉजी फिनोमिक्स. फिर पास है सीक्वेंस फिनोमिक्स इंस्ट्रक्शन. फिर हमारे पास है जी जनरल सुजेशन फॉर फिनोमिक्स इंस्ट्रक्शन. फिर हमारे पास है जी ये आ रहा है जी हमारे पास फ्लुएंसी इंस्ट्रक्शन. उसके बारे में पास आ रहा है एक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग फ्लुएंसी फिर ओरल रिटेंशन. फिर हमारे पास रिपीट रीडिंग्स. फिर है जी मॉडर्न इन्फ्लुएंस मॉडर्न फ्लुएंसी रीडिंग. फिर हमारे रीडिंग थिएटर. फिर जी हमारे पास आ रहे जी कॉलर रीडिंग. फिर हमारे पास आ रहा है सेक्शन समरी. फिर हमारे पास टर्निंग एक्टिविटीज. हमारे पास है वोकैबुलरी एक्विजिशन. ये कि जी स्टूडेंट्स हु सजेस्ट एक्वायर न्यू वोकैबुलरी मे हैव जनरली लिंग्विस्टिक डिफिशेंसी यानी बच्चों में लिंग्विस्टिक डिफिशेंसी होती है मेमोरी डिफिशेंसी मेमोरी की डिफिशेंसी और पुअर वर्ड लर्निंग स्टडी पुअर वर्ड की लर्निंग की स्टडीज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ये सेगमेंट कैन एन यू ने 1998 में बताया. दीज स्टूडेंट्स टिपिकली रिक्वायर मोर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड इंसेंटिव प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू मैन मास्टर की वोकैबुलरी के लिए. फिर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग वोकैबुलरी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू वर्ड्स मेक सेंस ऑफ न्यू वोकैबुलरी बाय इंटीग्रेटिंग इट विद द व्हाट दे
ऑलरेडी नो के वो क्या जानते हैं, एंड रिमेंबर द मीनिंग ऑफ वर्ड वेन इनकाउंटरिंग एट द लर्निंग डेटा और इन न्यू मटीरियल। फिर है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्वायरिंग ऑफ न्यू वोकैबुलरी। उसमें हमारे पास है जी टीच न्यू वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेक मीनिंग सब्जेक्ट मैटर लेसन एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट्स डिस्कस डेट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज़ द न्यू वर्ड। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ए वोकैबुलरी। उसमें क्या, आफ्टर यू हैव स्ट्रेटजिकल सेलेक्ट वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रक्शन एंड डिटर्मिनिंग द appropriate instruction goes for choosing term, it is time to identify instruction strategies that align with the goal. फिर हमारे पास है द फ्रियर मॉडल। ये मॉडल है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, फिजिकल चेंज करेक्टर है, फिर ग्रीफी वर्ड वॉल मैप अप। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स है, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट है, साइंस आ रहा है, उसके बाद के वर्ड विजर्ड्स हैं, फिर हमारे पास सिग्मेटिक मैप है, सिग्मेटिक मैप्स हैं सेक्शन, और ये फिर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रीड। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या हमने पढ़ा है उसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह। टू बी एबल टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड रिटन मटीरियल चिल्ड्रन नीड टू बी एबल टू, नंबर वन, डिकोड व्हाट दे रीड, ये वो डिकोड कर सके क्या वो रीड करें, मेक कनेक्शंस बिटवीन व्हाट दे रीड एंड व्हाई एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, क्या वो रीड करते हैं क्या वो पहले से जानते हैं। फिर नंबर थ्री पे थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे हैव रीड, फिर है कि उन्हें क्या रीड किया उसके बारे में डीपली समझ सकें। द मेन पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इज हैव अ सफिशिएंट वोकैबुलरी, सफिशिएंट वोकैबुलरी और नो द मीनिंग ऑफ एनफ वर्ड्स। फिर रीडिंग हु हैव स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आर एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट व्हाट दे रीड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अ फैक्ट, व्हाट कॉज एन इवेंट टू हैपन, विद विच करेक्टरिस्टिक्स आर फनी। डज कॉम्प्रीहेंसिव इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन रीडिंग विद थिंकिंग एंड रीडिंग। फिर है जी हमारे पास रीडिंग स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्प्रीहेंशन है, फिर मेकिंग प्रेडिक्शन है, टर्न इन टू द प्रायर नॉलेज है, फिर है विजुअलाइजेशन है, फिर बस मेकिंग कनेक्शन है, फिर हमारे कॉम्प्री मोनिटराइजिंग अंडरस्टैंडिंग है, फिर जनरलाइजेशन है, फिर एवेल्युएशन है, फिर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन हैं, फिर जनरल इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, फिर बिफोर रीड रीडिंग्स में क्या करना चाहिए वो बातें, फिर ड्यूरिंग रीडिंग में क्या करना चाहिए, फिर बस आफ्टर रीडिंग क्या करना चाहिए, फिर स्टोरी मैप कैसे करनी चाहिए, फिर हमारे पास है डायरेक्ट डायरेक्शन रीडिंग एंड थिंकिंग एक्टिविटीज हैं, फिर बस क्वेश्चनिंग द ऑथर है, फिर बस सेक्शन समरी है। तोफिया मानिल्ला या हमारा बी एड का जो कोर्स का नंबर 866 का, इसका चैप्टर नंबर 6 इख्तिताम पसीर हो सकता है। गुड लक योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि सके और भी वीडियो देख सकें। मुझे दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो।